चीले पगले जग है कोई माया। प्रेम में जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। साले प्रेम ही पार लगाए, प्रेम ही पार लगाए। प्रेम ही मानवता की शक्ति, प्रेम लुटा संसार में। एक प्रेम कथा कभी घटी जो संसार में, जो संसार में। कल्पना सच हुई संसार में, ओज पूर्ण है भाषा शैली रचना भाव भरी, रचना भाव भरी। सहस्त्रों राजाओं द्वारा त्याग दी गई लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति हो, मरणो प्रदेश से परिपूर्ण तंत्र शास्त्र में जिनकी आस्था हो, तथा स्नेह के कारण अनुराग करने वाले भ्रातृगण जिनकी जड़ें काटते हो, ऐसे राजाओं के योग्य न्याय संगत कार्य कुछ भी नहीं होता। जिन्होंने भी विरोध किया वो या तो जीत लिए गए या मार डाले गए। जिन्होंने सिर झुकाया उन्हें क्षमा कर दिया गया। आज वो हमारे साथ सिर उठाकर चलेंगे। हमने तीनों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, केवल एक दिशा बची हुई है, उत्तर। चलो
कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य किया मैंने। पिताजी ने जो कीर्ति फैलाने का कार्य आरंभ किया था वो तो मैंने पूरा नहीं किया, व्यर्थ ही किन्नर युगल का पीछा किया। अब इस प्रदेश में कोई मनुष्य भी नहीं दिखता जो मुझे स्वर्णपुर जाने का मार्ग बता सके। सत्य ही कहा गया है, अपने द्वारा किए हुए दोषों का फल भी स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। कितना सुस्वाद है अमृत समान यह जल, कितना स्वच्छ एवं शीतल है इस सरोवर का जल। मेरा किन्नर युगल का अनुसरण निष्फल होने पर भी इस सरोवर को देख लेने के बाद सफल हो गया। मनोरम पदार्थों की अंतिम सीमा को दृष्टिगोचर किया मैंने आज। कितना स्वच्छ एवं शीतल, कदाचित इस सरोवर के दर्शन की अभिलाषा से ही भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इंद्रायोध, क्या गणना मोरी।
दिवस रात्रि शशि और दिवाकर वन चर कुंज लता विस्तृत सब अवनि सरोवर सिंधु चराचर चित विधाता ने पंच महाभूत स्वरूप द्रव्यों को त्याग कर श्वेत किरणों द्वारा ही इसका निर्माण किया है, अथवा ब्रह्मा की तप सिद्धि स्वयं पृथ्वी तल पर उतर आई है। मुझे तो लगता है जैसे चंद्रमंडल से काटकर कूटच कुंद और सिंधुवारी के फूलों की कांति से बनाई गई धवलता की चरम सीमा यह चंद्रमा की ही बेटी है। कहीं निकट के फल फूल एवं लता तो कन्या बन के शिव की आराधना नहीं कर रहे हैं? काम विहार विहीन वैदिक सुक्तियों ने कहीं मूर्ति रूप तो धारण नहीं कर लिया है?
या कहीं पार्वती के मन की पवित्रता ने शरीर तो धारण नहीं कर लिया? इसके स्वर में वैदिक मंत्रों की मिठास है। निसंदेह ये कोई देवी है, क्योंकि किसी मनुष्य का स्वर इतना मीठा कदापि नहीं हो सकता। ये आंखें खुलते ही मुझे देखकर अदृश्य हो जाएगी, तब फिर मैं कैसे जान सकूंगा कि ये कौन है? अभ्यागत, मैं आपका स्वागत करती हूँ। महाभाग्यशाली, आप इस प्रदेश में कैसे आए? मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आइए। यह हर्ष का विषय है कि ये मुझे देखकर अंतर्निहित नहीं हुई। यदि मैं आग्रह करूं तो अवश्य ही ये अपना सब वृत्तांत कह देगी। आइए विराजिए। पुत्र चंद्रापीड, मुझे आते ही मन के विकार शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों का ज्ञान तुम्हें शुद्ध पवित्र जल प्रदान करेगा, जिससे तुम मन पर जमे धूल कणों को धो सकोगे। कभी कभी पवित्र दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है, मनुष्य यौवन का दास बन जाता है। ऐसे में प्रकृति आंधी बनकर उसे सूखे तृण के समान उड़ा देती है। देवी, रहने दीजिए, रहने दीजिए। मेरे लिए इस अनुग्रह का कोई प्रयोजन नहीं। मेरे सारे पापों को धोने के लिए आपका दर्शन ही पर्याप्त है। कृपा करके बैठिए। अभ्यागत, आप कौन हैं? देवी, मैं उज्जैनी का युवराज चंद्रपीड हूं। राज्याभिषेक के पश्चात मैं दिग्विजय के लिए निकला। मार्ग में मैंने किन्नर युगल देखा। उत्सुकतावश मैंने उनका पीछा किया और पीछा करते करते इस स्थल तक आ पहुंचा, किंतु यहां आने के उपरांत न जाने क्यों वो कहां अदृश्य हो गए। देवी, आपके इस अनुग्रह ने मेरे मन में कौतूहल उत्पन्न कर दिया है। यदि आपको कोई विशेष क्लेश ना हो तो कृपा करके अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। राजपुत्र, मैं अत्यंत क्रूर हृदय अभागे नारी हूं। मेरा विचित्र जीवन वृत्तांत सुनाने योग्य नहीं है, परंतु आपकी इच्छा है तो सुनिए। गंधर्वों के राजा चित्ररथ इस भूभाग के शासक हैं। युद्यान, यछोत सरोवर एवं ये मंदिर उन्हीं के बनवाए हुए हैं। उन्हीं गंधर्वों में एक है हंस। हंस की पत्नी गौरी देवी की कोख से मेरा जन्म हुआ। उन्होंने मेरा नाम महाश्वेता रखा। मेरी बाल्य अवस्था के दिन बड़े ही मनभावन थे। युवा अवस्था में आते ही एक दिन मैं अपनी माता के साथ इस अत्यंत शोभायमान अछूत सरोवर तट पर आई। ये स्थल मुझे इतना रमणीय लगा कि मैं अपने सहेलियों के साथ इसके चक्कर लगाने लगी। और एक स्थान पर पुष्पों के सौरभ को परास्त करने वाली सुगंध का आभास हुआ और हमारे चरण अनायास ही उस सुगंध की ओर खींचे चले गए।
गुरु भाई पुंडरीक जनक महाराज की अद्वैत साधना के प्रतीक हैं ऋषि याज्ञवल्क। आपने याज्ञवल्क गार्गी संवाद का प्रसंग तो सुना ही होगा ना? हाँ ग्रज कपिंजल, सुना है। मैं याज्ञवल्क मुनि की जीत से प्रभावित भी हूँ। तरह के पुष्प के सौरभ का अनुभव तो जीवन में मैंने कभी भी नहीं किया था। तरली के राजकन्या, कदाचित कोई अद्भुत पुष्प होगा जिसका ज्ञान हमें नहीं है। ये क्या? मैंने तो सुना है कि कामदेव भगवान शिव के तीसरे नेत्र से भस्म हो गया है। पुनः वो युवा मुनि के रूप में जीवित यहाँ कैसे? मानो ध्यान के सरोवर में कोई स्वान हो, एक धैर्यवान आत्मा की तरह जिसने अपने तेज से सूर्य को परास्त कर दिया हो। तरलीके, ये दूसरा युवक कौन है? अहो, कुसुम मंजरी की सुगंध नहीं अन्य सभी पुष्पों की सुगंध को परास्त कर दिया है। मेरा सर्वस्व इसी युवक का पीछा कर रहा है। ये कैसा खिंचाव है? क्या ऐसे ब्रह्मचारी को भ्रष्ट करना उचित होगा जिसने अभी तक काम वासना को जाना तक नहीं? किंतु मैं अपने मनोभावों को कैसे रोकूं? यदि इसके सामने जाऊं तो कदाचित युवक मुझे अभिशाप दे दे, क्योंकि साधु सदैव स्वभाव से क्रोधी होता है। जो भी हो, मैं उसके सामने जाके रहूंगी। इतना सुंदर सौंदर्य का भंडार, आश्चर्य, इनकी सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया है। मैं भी यौवन में हूं, इच्छाएं अच्छे बुरे का ध्यान कहां रखती हैं? मैं इनके अधीन हूं, मैं इन्हें अपनी दृष्टि से ही निकल जाना चाहती हूं। ये कैसा आकर्षण, ये इनकी सुंदरता है क्या? मेरी मूर्खता, मेरे सभी भावनात्मक विकार उनकी ओर खींच रहे हैं मुझे। लज्जा तो जैसे श्वेत की बूंदों के साथ बह गई है। मेरा पूरा शरीर इनका आलिंगन चाहता है। इतनी अधीर, इतनी काम पीड़िता, लगता है कामदेव ने इस कुमार के धैर्य को विनष्ट कर दिया है, तभी तो ये चंचल हो गया है। अन्यथा यौवन एवं विरक्ति दोनों परस्पर विरोधी हैं।
पगले जग है कोई माया, प्रेम में जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। प्रेम ही पार